एक सेकंड, 2006 में सियाचिन देने को तैयार थी यूपीए, ये बीते दिन सेना प्रमुख उस वक्त के तत्कालीन जेजे सिंह साहब ने कहा। आप 2008 के एमओयू को लगभग रोज शाम में 6 बजे एक बार कांग्रेस को याद दिलाते हैं। अब आप ये भी बता रहे हैं, जैसा रविशंकर प्रसाद जी ने कहा है, कि पैसे ले रही थी कांग्रेस पार्टी। नहीं, उचित सवाल नहीं है क्या? इससे नहीं, सवाल ठीक है सर, लेकिन गलवान की परिस्थिति, गलवान की परिस्थिति से एक डायरेक्ट लिंक बता दीजिए आप, तो मैं समझ जाऊंगी कि हिस्टोरिकली आप क्या साबित करना चाह रहे हैं, कांग्रेस ने क्या चूक की। आप इसका पहले जवाब दीजिए। अंजना जी, एक बिल्कुल, इसके बाद मैं आ रही हूँ, इसके बाद मैं आ रही हूँ, एक सेकंड। आपके चैनल में अभी क्या दिखाया कि बातचीत के बाद चीनी सेना जो है 1 किलोमीटर अंदर गई है, ये आपका चैनल दिखा रहा है। नरेंद्र मोदी जी का वक्तव्य क्या है? एक एक इंच भूमि भारत की सुरक्षित है और हमारी वीर सेना को खुला हाथ दे दिया गया है। अंजना जी, आप बताइए, क्या विश्वास अपने देश के प्रधानमंत्री पे होना चाहिए या चीनी मीडिया पे होना चाहिए? ग्लोबल टाइम्स जो वहां सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है, वो वहां की पार्टी द्वारा ही निर्देशित किया जाता है। तो मैं समझता हूँ पूरा देश आज नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है, कांग्रेस वहां की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ खड़ी है, ये हम सबने देख लिया। ठीक है, उस रिश्ते की बुनियाद पर ये कह रहे हैं कि आप चीन के प्रोपेगेंडा के शिकार हो रहे हैं। अंजना जी, पवन जी, एक जवाब फिर आने में आ रही हूँ। सोमनाथ सिंह राव साहब, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा रुक जाइए। आपसे निवेदन करता हूँ अंजना जी, 19 जून का प्रधानमंत्री का वक्तव्य अभी चला दीजिए, अगर चीन का नाम लिया तो। चुनौती है, खुली चुनौती है। एक सेकंड, बीच में, अब आप भी बीच में बोलिए। 19 जून को ऑल पार्टी मीटिंग के बाद जो प्रधानमंत्री का वक्तव्य आप सबके चैनल्स पे, मैंने आपके चैनल पे सुना अंजना जी, आप उसे एक बार दोहरा दीजिए अगर चीन का नाम लिया हो। नंबर दो, इधर प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारे भूभाग पर कोई आया ही नहीं, तुरंत चीन में तालियां बजती हैं और ग्लोबल टाइम्स जिसकी गुणगान कर रहे हैं मेरे मित्र, वो कहता है देखो भारत का प्रधानमंत्री भी वही कह रहा है, हम उनके भूभाग पे नहीं गए, गलवान तो हमारा भूभाग है। फिर दूसरे दिन हमारे विदेश मंत्रालय को प्रधानमंत्री की बात का खंडन करना पड़ता है, ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है। आप तो सोर्सेस की बात कर रही हैं, ये भी सोर्सेज ही हैं, सैटेलाइट इमेज से निकल कर आई है, आज सुबह की अखबारों में ये छपा है कि जहां क्लैश हुआ, जहां हमारे 20 शहीद हुए, वहां फिर से टेंट गड़ गए हैं और प्रधानमंत्री को चीन से वाहवाही बटोरनी है, चीन से तालियां बटोरने में बड़ा शौक है। आप हमारे एमओयू की बात करते हैं, आरएसएस जो कि एक राजनीतिक दल भी नहीं है, मैं क्यों गया 2009 में, क्यों गया 2009 में आरएसएस चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से गपशप करने, बातचीत करने 5 दिन की यात्रा पर? राम माधव क्यों बार बार चीन निकल जाते हैं, क्यों आपके आरएसएस के लोगों को लिए जाते हैं वहां? वहां अरुणाचल प्रदेश पे चर्चा आप 2009 में करते हैं जब आप सरकार में भी नहीं थे, चीन से अरुणाचल प्रदेश की चर्चा आरएसएस जाकर करेगी जो कि एक राजनीतिक दल भी नहीं है? दाल काली है या दाल में कुछ काला है? मैं आ जाऊं, उत्तर दीजिए अंजना जी। ठीक है गौरव जी, जवाब दीजिए जल्दी से। अंजना जी देखिए, आज तक पे ही इनका झूठ पकड़ते हैं, कैसे कांग्रेस एक झूठी पार्टी है। और पवन खेड़ा, मेरे हाथ में पीएम का वक्तव्य है जो उन्होंने बोला 9 मिनट 20 सेकंड का है, 2:15 के बाद मैं चला रहा हूँ, 2:20 पे जो है नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं सुन लीजिए। चीन द्वारा एलओसी पर किया गया, निश्चित तौर से चीन द्वारा जो एलओसी पे किया गया, तो झूठा कौन? झूठ बोले कौवा काटे। पवन जी तैयारी करके आया करिए, झूठ मत बोला करिए। नमस्कार, मैं हूँ अंजना ओमकश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।